देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वामीश्वरी देवि चराचरस्यः। ओम नमस्कार, एसटीयू में आपका स्वागत है। मैं हूँ आचार्य आशीष टंगवाल। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के राशिफल की और महीने की जो शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मिथुन लगन से। लगन का स्वामी यानी कि बुध पत्रिका के अंदर पंचम के स्थान पर, विद्या के स्थान पर भी मौजूद है। और पंचम स्थान जो कहा जाता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो दिमाग से जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उन प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए हम पाँचवें स्थान से यानी फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो उस स्थान में बुध का होना, बुद्धि का होना यानी कि बुद्धि हमारी काफ़ी एक्टिव रहेगी, दिमाग काफ़ी तेज चलेगा इस समय पर। साथ ही साथ जो है चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो कि मन का और धन का जो कारक ग्रह है वो भी जो है इस समय पर जो कुंडली के अंदर विद्यमान है वो भी पंचम स्थान में ही बैठा हुआ है। यानी कि मन भी हमारा सब जो है सपोर्ट कर रहा है और साथ में हमारा दिमाग भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसका राशियों के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग तरह से पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे जो सूर्य की स्थिति है या मंगल की स्थिति है, विशेष करके देखा जाए तो इसी अक्टूबर के मंथ में कुंडली के अंदर थोड़ा सा जो ग्रहों का जो प्रभाव है, काल सर्वदोष भी प्रभाव में आ रहा है कुंडली के अंदर। इसका भी थोड़ा बहुत हमारी राशियों के ऊपर इसका जो है सुप्रभाव भी और कुप्रभाव भी दोनों तरीके से रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में जो है इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। मकर राशि, राशि का स्वामी शनि जो कि पत्रिका के अंदर विद्यमान है अपने से 12वें स्थान में, और 12वें घर में जाना ये कि थोड़ा सा आपके लिए समस्या उत्पन्न करता है। और ये विशेषकर आपके स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके आपको जो काफ़ी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बृहस्पति जो कि कुंडली के अंदर आपके जो है लाभ के स्थान पर है ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, परंतु जो शनि है पत्रिका के अंदर जो आपका लगन का है, स्वास्थ्य का कारक ग्रह है कुंडली के अंदर, ये आपके लिए थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं है। 12वें स्थान में है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो छोड़ छाड़ लगने के भय थोड़ा सा रहेंगे, इसमें दुर्घटनाओं का योग थोड़ा सा कुंडली के अंदर दिखाई देता है, उसमें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र का मालिक बनता है आपकी कुंडली में शुक्र, और शुक्र की जो स्थिति है कुंडली के अंदर वह है आपके भाग्य के स्थान पर। भाग्य स्थान पे शुक्र का होना यानी कि आपके जॉब के लिए, आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा ये समय आपका रहेगा, जिससे कि आपका कर्म भी अच्छा हो और आपका भाग्य भी अच्छा बढ़े। कुछ नया काम करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य का कारक ग्रह है कुंडली के अंदर वो जो बनता है वो है आपका बुध, और बुध भी जो है आपके कर्म क्षेत्र पे है, तो भाग्य का और कर्म का आपस में संबंध जुड़ा हुआ है। ये को काफ़ी अच्छा राजयोग भी माना जाता है, इससे आपके आगे आने वाले समय पे कर्म के लिए भी और आपके भाग्य के लिए काफ़ी उन्नति के योग आपके बनेंगे। इसमें प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम कारक ग्रह कुंडली में बनता है चंद्रमा, और चंद्रमा की जो स्थिति है पत्रिका के अंदर वो है आपके केंद्र के स्थान में और बुध के साथ बैठा हुआ है ये, तो चंद्रमा यानी कि मन का कारक ग्रह भी है और साथ में आपकी कुंडली के अंदर आपका प्रेम का कारक ग्रह भी बनता है आपका, तो प्रेम संबंधों के लिए समय कुंडली के अंदर अच्छा रहने वाला है। काफ़ी समय से जो भी आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो विचारों का मतभेद था वो इसमें मिटेगा, आपस में प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम में मधुरता आएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। विवाह की बात करें तो विवाह की भी तो जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। नया जो भी अभी विशेषकर जो है कोई अभी रिश्ता जो जुड़ रहा है प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी आपको इसमें सफलता अच्छी मिलने वाली है। बात करते हैं आपकी शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए जो कारक ग्रह है कुंडली के अंदर वो बनता है शुक्र, और शुक्र जो है बैठा हुआ है भाग्य के स्थान पर, तो भाग्य स्थान में शुक्र का होना यानी कि शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना मकर राशि, बात करते हैं शिक्षा के लिए, तो देखिए शिक्षा का जो कारक ग्रह है आपकी पत्रिका में वो बनता है आपका शुक्र, और शुक्र बैठा है आपके भाग्य के स्थान में, सूर्य के साथ है और मंगल के साथ में है। थोड़ा सा विशेषकर पढ़ाई के लिए ऊपर जरा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस समय पे, क्योंकि शिक्षा को लेकर थोड़ा सा ये आपको परेशान कर सकता है। धन की बात करते हैं तो धन क्षेत्र का मालिक कुंडली के अंदर शनि है, खर्चा बहुत होने वाला है इस समय पर, आपको बचत की संभावनाएँ थोड़ा कम रहेंगी, इसमें बचा नहीं पाएंगे, खर्च की स्थिति ज़्यादा रहेगी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्चा है इसमें और फिजूल खर्चे भी थोड़ा इसमें होते रहेंगे, तो धन के मामले में थोड़ा सा दिक्कतें थोड़ा सा रह सकती हैं इसमें। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर राशिफल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें।